श्रीराम धुन में मंतू जब तक मगन न होगा किस तरह से आप अपना संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर पर? आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय आया है उसका हम दिल से स्वागत करते हैं और सारे प्रदेशवासियों को हिंदू युवा वाहिनी की ओर से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हैं। और दानव पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है वो काफी काबिले तारीफ है, तो उनको भी बधाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आज यहाँ पे फैसला आया है तमाम चीजों में किस तरह से है, जो जानकारी एक सरल भाषा में कैसे देना चाहेंगे? देखिए, ये बेसिकली लैंड डिस्प्यूट था जिसको धर्म से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण जोड़ के पीछे सत्तावादी और अपोजिशन की पार्टियां देखती रही हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें कानूनी तौर से बता दूं कि सबसे पहले तो शीर्ष न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, सर्वोपरि है, सबको मान्य होना चाहिए। फैसले के हिसाब से 2.77 एकर जो जमीन डिस्प्यूटेड थी, लैंड डिस्प्यूट थी, जिसमें मुख्य तीन पार्टीज थी जिन्होंने पिटीशन किया हुआ था, निर्मोही अखाड़ा, रामलला खुद और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसमें से 2.77 एकर यानी कि पूरी की पूरी भूमि रामलला को अलॉट हुई है। और चूंकि हमारा संविधान सभी धर्मों को एक बराबर एक समान देखता है, 5 एकर जमीन या भूमि लगभग सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी अलॉट की गई है जो अयोध्या में ही कहीं दी जाएगी, और दोनों के लिए ट्रस्ट फॉर्म किया जाएगा जिसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। और वो ट्रस्ट बेसिकली टेंपल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों का कार्यभार संभालेगा। तो ये आज का संक्षिप्त में बता दूं तो फैसला था, क्योंकि हमारा संविधान दोनों धर्मों या इनफैक्ट सारे धर्मों को एक बराबर देखता है, और फैसले का स्वागत होना चाहिए, सभी को मान्य होना चाहिए और शांति और सौहार्द के साथ में इस चीज़ को लेना चाहिए। और काफ़ी सारी नेशनल एनर्जी हमारी काफ़ी सालों से इसमें लगी हुई है, तो इनफैक्ट अभी इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ें और इसके बियॉन्ड भी जाके कुछ न कुछ काम करें। कहीं ना कहीं एकता और भाईचारा का मिसाल देते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक शांति व्यवस्था को भी बरतने के लिए तमाम जगहों पर पुलिस विभाग जैसे हाई अलर्ट पर है, पूरे देश में दादरा नगर हवेली में पुलिस विभाग इसी तरह से काम कर रही है, तो संदेश क्या देना चाहेंगे शांति के लिए, किस तरह का संदेश कानूनी तौर पर आप देना चाहेंगे? जी, अगर मैं मुख्य तौर से दादरा, जैसा आपने पूछा, अगर दादरा पुलिस की बात करूं तो हमेशा ही कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री कह सकता हूँ, और अच्छा ही काम करती रही है। और सुबह से मैं इस चीज़ पे, मेरी खुद की भी ऑब्जर्वेशन है, जितना शांति भाईचारा, इनफैक्ट काफ़ी सारे मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स या दूसरे धर्मों के भी दोस्त हैं, सभी जो इस तरह से सर्वोपरि न्यायालय को फैसले को मान्यता दे रहे हैं और मान रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस चीज़ को हमें बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए और शांति और सद्भाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, SLV News और सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में जिस तरह से तमाम जगहों पर एक फैसले के इंतजार तमाम जो कर रहे थे और शांति और व्यवस्था को जिस तरह से दादरा नगर हवेली पुलिस ने बरकरार रखा है, उसी दौरान आज जब फैसला आ चुकी है, मतलब तमाम जगहों से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और तमाम लोगों में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे महाजन जी तमाम जिसों में, जिस तरह से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी खुशियों को प्रकट करना चाहेंगे? आज शायद जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि हम जैसे जन्म हुए तब से हम राम की कहानियां तो सुन रहे थे, राम हमारे आराध्य देवत है ये तो हम समझ रहे थे, लेकिन उनका जन्म का स्थान के लिए हमें इतनी सालों से लड़ाई देते आ रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सराहनीय फैसला लिया है और सबूतों के आधार पर फैसला लिया है, ना ही किसी एक पक्ष को नाराज करने की उन्होंने बात कही है, और इतना बेहतरीन फैसला लिया जिससे आज हम राम मंदिर की
जो हमने न्यू रखा हुआ था बनाने की, आज वो पूरी होती हमें नजर आ रही है और पूरी हो ही गई समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सम्मान करते हैं कुल मिलाकर, बहुत ही बहुत सम्मान करते हैं और बहुत खुशी है। हिंदू परिषद की तरफ से क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी? सभी प्रदेशवासियों को मेरा आज एक ही कहना है कि जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह सभी घर घर में अपने एक दिया प्रकट करें और श्री राम का नाम जपे। जी, जिस तरह से हितेश भाई तमाम जगहों पर बात अगर की जाए, जिस तरह से आज आप लोग एक आरएसएस के तौर से जुड़े हुए लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? भगवान प्रभु राम त्याग के प्रतीक थे, बलिदान के प्रतीक है, वो किसी विशेष धर्म जाति के बिल्कुल नहीं है, वो एक राष्ट्र के पुरुष है। उन्होंने राष्ट्र को एक करने में उनका योगदान है और प्रभु श्री राम जो है वो राष्ट्र को एक करेंगे और ये राष्ट्र जो है परम वैभव को प्राप्त करेगा। जी पंडित जी, जिस तरह से देखा जाए शुरुआती दौर से जिस तरह फैसला आ रहा था, तमाम लोग जिस तरह से हैं, संगठन के तमाम लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर सामने नजर आए, आरती हो रही थी, पूजा हो रहा था और साथ ही साथ जब फैसला आया तो आप लोगों ने मिठाइयां भी बंटवाई, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन शिरोमान्य हो सभी भारतवासियों को, साथ ही साथ रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, पूर्वजों से ये सुनते आ रहे हैं। मैं अगर वेदों की और शास्त्रों की बात करने जाऊंगा यहाँ पर तो बहुत बड़ी चर्चा होगी, पर पूर्वजों से हम सब यह सुनते आए कि धीरज का फल मीठा, सच्ची में आज वह मीठा फल हमें प्राप्त हुआ, तो सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और न्यायपालिका ने जो भी ये फैसला दिया है उसको शिरोमान्य रखते हुए सबको जय श्री राम। आलोक शर्मा जी, तमाम जगहों पर यदि देखा जाए तो बढ़ चढ़कर हमेशा आप नजर आते थे और आज इस तरह का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, पूरे देश में खुशियों की लहर है और साथ ही साथ तमाम लोगों में यही बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, उनके लिए ये सराहनीय फैसला है, ये किसी पक्ष के इसमें फैसला नहीं आया है, ये न किसी आस्था को देखते हुए फैसला आया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में दिया है और बहुत अच्छी बात है, इसको हम हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक्सेप्ट करते हैं और आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे, मेरी यही सभी से प्रार्थना है, जय श्री राम। तंबी जी, तमाम चीजों में बढ़ चढ़कर हमेशा नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से संघ के प्रति आज यहाँ पर दादरा नगर हवेली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? विधो धर्म सदा जया, किधर है धर्म है उधर अपना सत्य विजय हो जाएगा, ऐसे ही अब आज का फैसला क्या है, अभी ये फैसला कि हमको ज्यादा खुशी करने का ज्यादा दुख देने का ये जरूरत कुछ नहीं है, हम सब एक ही है, ये राष्ट्रवासी पूरा हमारा ये देश के लिए काम करने हैं। अभी श्री रामचंद्र ने लिंगा में विजय प्राप्त करके आया, उस समय लक्ष्मण ने देखा स्वर्ण में ही लिंगा तो स्वर्ण में ही ये लिंगा रहने का चाहिए, ऐसा बोला, उस समय श्री रामचंद्र ने क्या बताया अपना भाई से बताया, जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपि निगदीयसि, कितने भी हो हमारा जन्मभूमि, ये जन्मभूमि का रक्षा करके ये रक्षा करना जिम्मेदारी हमारे एक एक है, अब ये पूरा भारतवासी एक ही ऐसे बोल के हम सब भाई भाई लोग है, हमको हमारा माँ एक ही माँ है भारत माता, ये माँ के पूजा करने का प्रयत्न करना, ये भारत माता का रक्षा करने के लिए हम सब प्रयत्न करना, ये जिम्मेदारी है हम सबका है, ज्यादा खुशी का बात नहीं है ज्यादा दुख का बात भी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये भारत में एक संदेश आ रहा है कि एकता के साथ, एकता और अखंडता के साथ भारत हमेशा कदम से कदम मिलाकर हमेशा देश आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, उसी तरह हमारे सिलवासा में भी तमाम लोगों ने यही संदेश दिया कि भारत हमेशा आगे बढ़ेगा और दादरा नगर हवेली हमेशा प्रशासन और सभी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, SLM इंडिया न्यूज़, सिलवासा।